हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्जाम के सिलेबस में से यूनिट वन का टॉपिक सेवन मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट कन्वेंशनल मेथड्स रैपिड मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ़ूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी हो सकते हैं एंड टॉक्सिक भी हो सकते हैं बेनिफिशियल किस तरह से होते हैं बहुत सारे अल्कोहलिक बीवरेजेस एंड बेकिंग प्रोडक्ट एंड मैनी मोर प्रोडक्ट हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं बनाए जाते हैं बाय यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैसे कि फर्मटेशन प्रोडक्ट्स हो गए बहुत सारे एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक कैसे हो सकते हैं बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के कांटेक्ट uh, में आते हैं फूड में वो चले जाते हैं अगर आप अच्छे से हाइजेनिक कंडीशन सेट नहीं करते हो फूड के लिए तो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं एंड वो अपना टॉक्सिक मेटाबोलाइट फूड में प्रोड्यूस कर, दे, कर देते हैं एंड अगर कोई ह्यूमन उस फूड को कंज्यूम करता है तो uh, उसको फूड पॉइजनिंग एंड फूड बॉर्न इलनेस डिजीज हो सकते हैं एंड इन फूड बॉर्न डिजीज एंड इल्नेस को रिमूव करने के लिए हमें फूड को डिटेक्ट करना पड़ता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट हैं कोई स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं प्रेजेंट और हमारा फूड क्यों स्पॉयलेज हो रहा है स्पॉयल हो रहा है इन कारणों के कारण हमें हम फूड को डिटेक्ट करते हैं तो मेथड्स हैं जो माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसमें मेथड्स आते हैं कन्वेंशनल मेथड्स, रैपिड मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड्स में 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 भी आगे चार पांच मेथड्स आते हैं एंड रैपिड मेथड्स में भी एंड केमिकल मेथड्स में भी तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटेक्शन करने की ज़रूरत क्यों है फूड बॉर्न डिजीज को रिमूव करने के लिए हम डिटेक्ट करते हैं फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड मिनिमाइज करने के लिए टाइम को एंड ह्यूमन एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए फ़ूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट किया जाता है इट्स इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड आल्सो एंड नेक्स्ट इज नीड ऑफ़ मैथड डिटेक्शन द मेथड जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फूड को माइक्रोबियल स्पॉयलेज uh, को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोबियल एग्जामिनेशन करने के लिए वो मेथड द मेथड शुड डिटेक्ट द डिज़ायर्ड स्पेसिफिक पैथोजन स्पेसिफिक पैथोजन और डिजायर्ड पैथोजन को वो डिटेक्ट कर पाए मेथड शुड बी सेंसिटिव टू डिटेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ पैथोजन एंड शुड प्रोड्यूस अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू डिटरमाइन द स्वेरिटी अब आगे हम मेथड्स की बात करेंगे टू एग्जामिन फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मैथड्स आर यूज फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करने के लिए डिफरेंट मैथड्स यूज किए जाते हैं उनमें फ़र्स्ट है टू काउंट टोटल नंबर ऑफ सेल्स वाइबल और नॉन वाइबल हम अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर रहे हैं तो उनके लिए मेथड्स अलग यूज होते हैं जिसमें वाइबल और नॉन वाइबल दोनों सेल्स आते हैं वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो लाइव स्टेट में होते हैं एंड न्यूट्रिएंट अप्लाई करते ही वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं एंड क्लोनीज़ फॉर्म कर लेते हैं नॉन वाइबल सेल्स वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड ये मल्टीप्लाई नहीं करते और ना ही क्लोनीज uh, फॉर्म करेंगे एक मेथड तो ये हो गया एंड दूसरा मेथड है टू एग्जामिन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सरफेस सरफेस पे कितने मैथ uh, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको एग्जामिन करने के लिए अलग से मेथड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टू एग्जामिन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हम चार मेथड्स यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मोस्ट प्रोबेबल नंबर डाई रिडक्शन टेक्निक एंड डायरेक्ट मेथड। इन चारों के बारे में अब हम कुछ ही मिनटों में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताएं ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं कन्वेंशनल मेथड्स में फोर मेथड्स आते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट डाई रिडक्शन टेक्निक एंड मोस्ट प्रोबेबल नंबर एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट तो फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी उसके बाद हम डिटेल में इनको वन बाय वन पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है इसमें हम पहले डल्यूशंस तैयार करते हैं उसके बाद डल्यूशंस की प्लेटिंग करते हैं एंड देन इनक्यूबेशन करते हैं उसके बाद क्लोनीज़ फॉर्म हो जाती हैं एंड क्लोनीज़ वही सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे जो कि लाइव स्टेट में होए मतलब कि वाइबल सेल्स हैं जो कलोनीज फॉर्म करेंगे तो वो कितने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो हम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में चेक करते हैं नेक्स्ट इज अ डाई रिडक्शन टेक्निक डाई रिडक्शन टेक्निक में कैस क्या होता है कि जैसे कोई मिल्क का सैंपल है उसमें हम डाई डाल देते हैं ठीक है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइज होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, एंड वो डाइज हम जब डाल देते हैं अगर डाई रिड्यूज़ हो रही है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं ठीक है थर्ड इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर मोस्ट प्रोबेबल नंबर में ड्यूरम uh, ट्यूब्स होती हैं वो सैंपल के अंदर डाल दी जाती हैं उल्टी करके जब अगर ड्यूरम ट्यूब्स में गैस प्रोड्यूस हो जाए तो वाइबल सेल्स वाइबल सेल्स प्र, प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वाइबल सेल्स ही गैस है जो प्रोड्यूस करेंगे लास्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट तो इसमें फूड सैंपल को हम स्लाइड में रखते हैं स्मियर बनाते हैं एंड उसके बाद स्टेनिंग करके डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसे देख लेते हैं तो फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मैथड तो फर्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वाइबल सेल्स और क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट्स इन अ फूड प्रोडक्ट ये एक मोस्ट वाइडली मेथड है जिसको यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ वाइबल सेल्स या फिर क्लोनी फॉर्मिंग सेल्स या फिर यूनिट्स कितने प्रेजेंट है आपके फूड प्रोडक्ट में इसमें हम फूड सैंपल को पहले ब्लेंड करते हैं होमोजेनाइज्ड किया जाता है फिर फूड सैंपल को सीरियली डाइल्यूटेड इन एन अप्रोप्रिएट डायलोट प्लेटेड इन और ऑन टू द सूटेबल अगार मीडियम फिर हम जो हमारा ब्लेंडेड होमोजेनाइज्ड सैंपल है उसको सीरियली डिल्यूट डाइल्यूटेड किया जाता है एक अप्रोप्रिएट प्लेट प्लेटेड में एंड उसको फिर या uh, तो स्प्रेड प्लेट मेथड की टेक्निक से या फिर पोर, पोर प्लेट है पोर प्लेटिंग है जो की जाती है इन इन दोनों में से एक मेथड है जो अप्लाई किया जाता है उसके बाद इनक्यूबेट कर दिया जाता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड टाइम आफ्टर विच ऑल विजिबल कलोनीज़ आर काउंटेड बाय यूज ऑफ क्यूबिक और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर तो जब इंक्यूबेट करने के बाद कलोनीज जो विजिबल हो जाती हैं उनको हम काउंट करते हैं बाई यूजिंग क्यूबिक और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सीरियली सीरियल डायल्यूशन कैसे की जाती है आप इसमें देख सकते हो फर्स्ट में जो पांच ट्यूब्स ली हैं उनमें 9.0 पॉइंट ब्रॉथ डाला हुआ है एंड सैंपल में से 1.0 पॉइंट सैंपल लेके फर्स्ट ट्यूब में हमने डाल दिया एंड उस फर्स्ट ट्यूब में से 1.0 पॉइंट जीरो एम एल लिया जो जिसमें हमारा ब्रॉथ और हमारा सैंपल था उसको 1.0 पॉइंट जीरो एम एल दूसरी में डाल दिया एंड दूसरी में से तीसरी में से तीसरी में तीसरी ट्यूब में से फोर्थ ट्यूब में एंड फोर्थ ट्यूब में से फाइव ट्यूब में ऐसे हम हमारे सैंपल को सीरियली ड्यूट करते हैं तो इन जो कॉलोनीज़ आफ्टर इनक्यूबेशन फॉर्म हो जाती हैं उनको हम क्यूबिक काउंटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में डिटेक्ट कर लेते हैं सॉरी काउंट कर लेते हैं तो सीरियली डाइल्यूट करने के बाद एप्रोप्रिएट डायल्यूंट प्लेटेड करते हैं हम एक सूटेबल अगार मीडियम पे जहाँ जिसमें हम स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट मेथड यूज़ करते हैं जे ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी ये स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट है जो यूज़ करते हैं तो हम इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट मेथड क्या होते हैं पोर प्लेट मेथड एप्रोप्रिएटली डाइल्यूटेड सैंपल वाज वाज इन इनाकुलेटेड टू पैटरी प्लेट पहले हम जो हमारी पैटरी प्लेट है, उसमें हमारा जो डाइल्यूटेड सैंपल हमने सीरियली डाइल्यूट किया है उसको हम पोर कर देंगे पैटरी प्लेट में नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट अगार वॉज एडेड तो उसके बाद हमारा जब हमने सैंपल ऐड कर दिया फिर हम न्यूट्रिएंट अगार ऐड करेंगे फिर उसको इनक्यूबेट करेंगे थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पर क्लोनीज़ है जो ग्रो हो जाएंगी सॉलिडिफाई मीडियम पर वॉज अब्बॉर्ब फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ रिकॉर्डेड क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एम नेक्स्ट मेथड होता है स्प्रेड प्लेट मेथड स्प्रेड प्लेट मेथड में अप्रोप्रिएटली डिलूटेड सैंपल को इनाकुलेट करते हैं हम जिसमें पहले से ही सॉलिडिफाई मीडिया अगार मीडिया है जो प्रेजेंट होता है उस प्लेट में पहले हमारा प्लेट होगा उसमें हमारा सॉलिडिफाई मीडिया होगा उसके ऊपर हमारा डिल्यूटेड सैंपल हम इनाकुलेट करते हैं एंड स्प्रेडेड इनाकुलम ओवर सरफेस ऑफ द सॉल्डिफाइ मीडिया उसके बाद हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे क्लोनीज़ ओवर ग्राउन ओनली ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया तो जो इसमें क्लोनीज है जो फॉर्म होती हैं वो सरफेस ऑफ मीडिया पर ही फॉर्म होती हैं स्प्रेड प्लेट मैथड में आई होप आपको स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड समझ में आ गया होगा इसमें uh, आपको मैं एक, एक बार से थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगी इसमें हम वाइबल सेल्स और जो क्लोनी फॉर्म करते हैं सेल्स उनको डिटेक्ट uh, करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं उनको उनकी काउंट count, उनकी काउंटिंग करते हैं पहले जो सैंपल लिया उसके बाद उस सैंपल को ब्लेंड किया होमोजनाइज किया एंड उसके बाद हमने सीरीली डिलीट किया अप्रोप्रेट डाल प्लेट की तो उसमें हमने स्प्रेड प्लेट या फिर पोर प्लेट दोनों मेथड में से कौन सी भी आ, कौन सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो उसके बाद उन इंक्यूबेट करने के बाद जो कलोनीज़ फॉर्म हो जाती हैं उनको हम क्यूबिक और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में काउंटर की हेल्प से जो कलोनीज़ को काउंट करते हैं तो इसमें हमने पोर प्लेट मैथड देखा था इसमें क्या था कि पहले हम, हम हमारा सैम्पल पोर करते हैं उसके बाद हमारा न्यूट्रिएंट अगार पोर करते हैं ठीक है तो जो स्प्रेड प्लेट था उसमें पहले से ही सॉलिडिफाई मीडिया प्रेजेंट था ऊपर हमने हमारा सैंपल है जो पोर किया था इस इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस था तो अगला जो मैथड है नेक्स्ट मैथड इज मोस्ट प्रॉबेबल मैथड मोस्ट प्रॉबेबल नंबर इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन स्टैंडर्ड डेल्यूशन सीरीज ऑफ द सैंपल इनाकुलम बैक्टीरिया विद इन द डल्यूशन सीरीज आर डिटेक्टेड बाई पॉजिटिव ग्रोथ करैक्ट्रिस्टिक सचेज गैस प्रोडक्शन और टर्बिडिटी इन द ग्रोथ मीडियम जो बैक्टीरिया है डेल्यूशन सीरीज में उसको हम डिटेक्ट करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ होती है अगर तो गैस प्रोडक्शन की या फिर टर्बिडिटी आ जाती है ग्रोथ मीडियम में तो उसकी उस उससे हम जो है बैक्टीरिया उसको डिटेक्ट किया जाता है मोस्ट प्रॉबेबल प्रोसीजर डिटेक्ट वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज़ यूजफुल व्हेन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन इन फूड मिल्क एंड वाटर मोस्ट प्रॉबेबल प्रोसीजर है जो उसमें हम वाइबल ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते हैं एंड ये यूजफुल है बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा लो कंसनट्रेशन में भी किसी फूड में जैसे कि मिल्क और वाटर में प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये यूज़फुल है This test gives only the estimate of, of organism used to estimate the number of coliform in the water sample. This method can be modified to estimate the number of pathogens by using speci specific selective culture medium for their growth. Sanitary analysis of water sample employs the lactose broth medium with durum tubes, a small inverted tube. added to the larger tube containing the lactose broth that help in the detection of gas gas production by coliform from lactose utilization this test is called as presumptive test for coliform detection to ye aap इन्होंने बताया है कि जो अगर हम sanitary analysis करते हैं water sample का तो उसमें हम जो lactose broth uh, broth medium लेते हैं tubes में ठीक है तो उसमें एक uh, inverted tube डालते हैं जिसका नाम होता है Durham tube अगर वाइबल सेल्स फॉर्मिंग सेल्स जो प्रेजेंट हैं तो वो लैक्टोज ब्रोथ को कंज्यूम करके कंटेन करके गैस को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मालूम पता चल जाएगा कि उसमें वाइबल सेल्स जो प्रेजेंट हैं इस टेस्ट को प्रिजम्प्टि टेस्ट क्या कहा जाता है कॉलीफॉर्म डिटेक्शन के लिए तो प्रजम्टिव टेस्ट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अ सीरीज़ ऑफ़ फर्मटेशन ट्यूब्स ईच कंटेनिंग मेकॉकी ग्रोथ ऑफ नोन कंसन आर इनाकुलेटेड विद नोन अमाउंट ऑफ वाटर डाइलूटेड विद सेलाइन उनको हम इनक्यूबेट करेंगे ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी एट आवर्स के लिए थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे आफ्टर इनक्यूबेशन हम चेक करेंगे श्योर करेंगे कि उसमें कॉलिफॉर्म प्रेजेंस की प्रेजेंस है या एबसेंस है नेक्स्ट Uh, जो मोस्ट प्रॉबेबल नंबर है उसमें प्रिजम्पटिव टेस्ट हो, होता है नेक्स्ट होता है कन्फर्मड टेस्ट नेक्स्ट होता है कम्प्लीटेड टेस्ट जो मोस्ट प्रॉबेबल नंबर है उसमें आगे तीन टेस्ट हैं जो आते हैं तो हम अब हम पढ़ेंगे कन्फर्म टेस्ट को इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ़ गैस प्रोडक्शन इट इज़ अ टू टाइप ये इसमें हम अगर गैस प्रोडक्शन हो जाती है तो वो पॉजिटिव होता है कि उसमें कॉलीफॉर्म यूनिट्स हैं जो प्रेजेंट हैं ये टू टाइप का होता है पॉजिटिव प्रजम्टिव टेस्ट एंड दूसरा है ई टेस्ट फर्स्ट इज़ पॉजिटिव प्रजम्पटिव फॉर्मटेशन ट्यूब इज़ अ जेंटली शेक्ड जो हमारी पॉजिटिव प्रजम्प्टिव फार्मेशन ट्यूब है उसको जेनेटिकली शेक करेंगे अ ड्रॉप ऑफ कल्चर इज अ ट्रांसफर टू ब्रिलियंट ग्रीन लेक्टोस बाइल ब्रोथ फॉर्मेंटेशन ट्यूब जो कल्चर है उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम ब्रिलियंट ग्रीन लेक्टोज बाइल ब्रोथ फॉर्मेंटेशन ट्यूब में एंड उसको इंक्यूबेट करेंगे फोर्टी एट आवर्स के लिए थर्टी सेवन डिग्रीज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे अपेरेंस ऑफ गैस विद इन दिस पीरियड इंडिकेट फॉर पॉजिटिव कन्फर्म टेस्ट अगर हमें गैस प्रोड्यूज होती हुई दिखती है तो हम uh, ये हमारा टेस्ट है जो कन्फर्म टेस्ट है जो पॉजिटिव हो जाएगा दिस डाई इन्हीबिट द ग्राम पॉजिटिव जेटिक रिएक्शन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फॉर अ कॉमन फूड बेस नेक्स्ट टेस्ट है इसका, EMB, Methyl, this, melted, uh, melted हम एक डेफिनेट अमाउंट है जो दो स्ट्रेन को हम एड करेंगे मेल्टेड लैक्टोज आगार में मीडियम वॉज पोड इन टू पैट्रेडिश एंड देन स्ट्रीक द सर्फेस विद स्ट्राइल लूप ऑफ कल्चर स्ट्रीकिंग करेंगे एंड देन इंक्यूबेट कर देंगे ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे कलोनीज है जो ब्लू ग्रीन मेटेलिक मेटेलिक शीन की जो हमें दिखाई देंगी तो वो टेस्ट है जो कन्फर्म हो जाएगा नेक्स्ट इज अ कंप्लीटेड टेस्ट दिस इज परफॉर्म टू असर्शन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉलिफॉर्म इन वॉटर कम्प्लीटेड टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन वेदर द कलोनीज ग्रोइंग ऑन ई एम बी आर कैपेबल ऑफ फर्मेंटिंग लैक्टोज और फॉर्मिंग एसिड और गैस जो कम्प्लीटेड टेस्ट है वो इसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि जो कलोनीज फॉर्म हुई हैं ई एम बी टेस्ट में वो कैपेबल हैं फरमेंटिंग लैक्टोज के और फॉर्मिंग एसिड और गैस के या नहीं द ऑर्गेनिजम ट्रांसफर टू अगार्स लांड शो द माइ माफोलॉजिकल अपेयरेंस ऑफ क्लोनीफॉम कॉलीफॉर्म Each colony of positive confirmed test were, were transferred to the lactose fermentation tube and nutrient agar slant and incubated for 48 hours at 35 degrees Celsius. Gas produced in tubes were demonstrated for gram negative, non-spore forming rod or slant constitute and a positive completed test for coliform. Third method is conventional method hai, jo third mara dye reduction test. डाई रिडक्शन टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द माइक्रोबाइलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क इसको यूज़ करते हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो मिल्क की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है दीज आर इनडायरेक्ट टेस्ट वेयर द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम आर काउंटेड एज इन स्टैंडर्ड प्लेट काउंट इन स्टेड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ डाई इज़ अ टेकन इन अकाउंट एंड कोरिलेटेड विद द मिल्क क्वालिटी These dyes act as an oxidation reduction indicator and get decolorized due to the consumption of oxygen and decrease in the oxygen reduction potential of milk as a result of bacterial growth. The majority of bacteria, both aerobic and facultative present in milk, indulge in lowering the oxidation reduction potential of milk to such an extent that dye gets decolorized. हैंस ग्रेटर द नंबर ऑफ वाइबल सेल्स शॉर्टर द टाइम टेकन टू बी रिड्यूज़ द डाई तो जो डाई रिडक्शन टेस्ट है ये जो डाइज हम इसमें यूज़ करते हैं वो एज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर एक्ट करती हैं एंड वो डिकराइज्ड हो जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कंसप्शन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम की तरफ से एंड ऑक्सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशल है जो मिल्क में वो रिड्यूज हो जा ड्रीज uh, हो जाता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है जो प्रेजेंट है मजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि अरेबिक एंड फैकल्टिटिव बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को लो कर देते हैं जिसकी वजह से डाई है जो जल्दी डीकर्राइज हो जाती है कितने नंबर ऑफ़ वाइबर सेल्स है जो डाई में प्रेजेंट हैं वो हमें कैसे पता चलेगी जितना कम टाइम लगेगा डाई को रिड्यूज़ होने में से तो इसमें कौन कौन सी डाई यूज़ की जाती है मिथेलन ब्ल्यू रिडक्शन डाई एंड रेजोजुअ रिडक्शन ये दो डाई है जो इसमें यूज किए जाती हैं मिथिलन ब्लू रिडक्शन टाइम इज द जो मिथिलन ब्लू डाई है इज़ अ डाई विच मेन ब्लू इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट एंड टर्न कलरलेस ऑन इन ऑन इट्स रिडक्शन ये जब अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होती है तभी तब तभ तो इसका जो कलर है वो ब्ल्यू ही रहता है ये कलरलेस हो जाती है जब इसका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है द रिज़ल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कलर ऑफ मिथिल एंड ब्ल्यू टू डिसअपीयर एट इनक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 37 सेवन डिग्री सेल्सियस दिस टेस्ट रेंडर्स वेरी यूजफुल इन्फो इंफॉर्मेशन ऑन जनरल बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क इन अ शॉर्ट पीरियड एंड रिक्वायर फ्यूअर अप्रेटर्स तो इसमें कम अप्रेटर समय चाहिए होंगे जो हम मिथिलन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट करते हैं उसमें जो रिड़, अगर रिडक्शन तीस मिनटों के अंदर अंदर हो जाता है तो आप आप इसमें कह सकते हो कि आपके मिल्क की जो मिल्क है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है अगर रिडक्शन थर्टी मिनट से लेकर टू आवर्स के बीच में होता है डाई का रिडक्शन मतलब डाई का कलर है जो रिड्यूज़ होता जाता है तो मिल्क की पुअर क्वालिटी होगी अगर डाई का रिडक्शन टाइम टू से लेकर सिक्स आर के बीच में होता है तो हम कह सकते हैं कि मिल्क की क्वालिटी है जो फेयर क्वालिटी है अगर रिडक्शन टाइम सिक्स आवर्स से लेके एट आवर्स तक होता है तो मिल्क को गुड क्वालिटी का माना जाता है लिमिटेशंस क्या हैं ब्लू रिडक्शन टेस्ट की इसमें ये सूटेबल सूटेबल है ओनली अनहीटेड मिल्क के लिए ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा ये रेजा यूरिन रेजा यूरिन रिडक्शन टेस्ट ये भी डाई है जो आर ई एस ए रेजा जूरिन ये ये भी डाई है जो हम इस टेस्ट में यूज़ करते हैं डाई इज़ ए रिवर्सिबली रिड्यूज टू रेजोफिन रेजोरिफिन अंडरगोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ कलर्स रेंजिंग फ्रॉम ब्लू टू इलेक मोआव एंड पर्पल और पिंक डाई है जो इसमें ये इरिवर्सिबली रिड्यूस्ड होती है इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं कलर में जैसे पहले से ब्लू से लेके वो लीलैक तक जाती है लीलैक कलर होता है फिर मुआव कलर होता है फिर पर्पल एंड पिंक कलर होता है इरिवर्सिबली रिड्यूस्ड होती है ये डाई ठीक है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो हम आ, वो मिथिलन ब्लू डाई ही यूज़ की जाती है नेक्स्ट मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड ये कन्वेंशनल मेथड्स ही चल रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा स्टैंडर्ड प्लेट काउंट डाई रिडक्शन मेथड, मोस्ट प्रॉबेबल नंबर एंड नेक्स्ट हम अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड्स, माइक्रोस्कोपिक क्लोनी काउंट मैथड इन्वॉल्व द काउंटिंग ऑफ माइक्रो कलोनीज दैट डिवेल्प इन अगार लेयर्ड ओवर माइक्रोस्कोप स्लाइड माइक्रोस्कोपिक कलोनी काउंट है जो मैथड है उसमें हम क्या करते हैं माइक्रो माइक्रोकलोनीज को काउंट करते हैं जो कि डिवेल्प होती हैं अगार लेयर पे माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर ठीक है इसमें जैसे कि ये फर्स्ट मेथड है पहले हम स्प्रेड करेंगे 0 वन एम एल ऑफ मिल्क इसमें हम मिल्क को यूज़ कर रहे हैं एज अ सैम्पल जीरो पॉइंट वन एम एल ऑफ मिल्क है जो स्प्रेड करेंगे अघार मीडियम मिक्सचर के ऊपर ओवर फोर सेंटीमीटर स्केयर एरिया ऑन द ग्लासलाइड नेक्स्ट उसे हम इनक्यूबेट करेंगे एंड ड्राई करेंगे नेक्स्ट इज आफ्टर स्टेनिंग इट माइक्रो क्लोनीज है जो काउंट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इसमें दूसरा मैथड होता है फ्रॉस्ट माइक्रोस्कोप मेथड इसमें टू एम एल ऑफ़ मेल्टेड अगार को मिक्स करते हैं टू एम एल ऑफ़ वाम मिल्क के साथ इसमें भी हम मिल्क को ही यूज़ कर रहे हैं एज अ सैंपल टू एम एल ऑफ़ मेल्टेड मिल को हम मिक्स करते हैं टू एम एल ऑफ़ वाम्ड मिल्क के साथ एंड उसे हम मिक्स करते हैं अच्छे से फिर उसके बाद ज़ीरो पॉइंट वन एम एल ऑफ़ इनाकुलेट अगार को स्प्रेड कर देते हैं ओवर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे फिर उसे हम स्टेन करते हैं थियोनिन थियोनिन ब्लू डाई के साथ स्टेन करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप विद 16 एम एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइड फील्ड माइक्रोस्कोप के अंडर हम व्यू करते हैं नेक्स्ट मेथड है अगार ड्रॉपलेट इसमें पहले हम फूड होमोजेनेट करते हैं इन डल्यूटेड ट्यूब्स में ऑफ मेल्टेड अगार एंड फिर उसके बाद तीन ट्यूब्स ऑफ आघार वर यूज उसमें से थ्री ट्यूब्स हम आगार की यूज करते हैं द फर्स्ट ट्यूब बींग इनाकुलेटेड विद वन एम एल ऑफ़ फूड होमोजिनेट आफ्टर मिक्सिंग अ स्ट्राइल कैपलरी पिपिट यूज टू ट्रांसफर अ लाइन ऑफ फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन एम एल ऑफ ड्रॉप टू द बॉटम ऑफ द एम्पी पैटरी डिश विद एंड देन विद द सेम कैपलरी पिपिट थ्री ड्रॉप्स फ्रॉम द फर्स्ट नाइन एम एल ट्यूब आर ट्रांसफर टू द सेकेंड ट्यूब एंड दैन मिक्सिंग एंड दैन आ अनदर लाइन फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन एम एल ड्रॉपलेट इज प्लेस नेक्स्ट टू द फर्स्ट एंड दैन स्टेप इज रिपीटेड फॉर थर्ड ट्यूब ऑफ अगार देन पेटरी डिश कंटेनिंग द अगार ड्रॉपलेट आर इंक्यूबेटेड फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड कलोनीज आर फॉर्म्ड तो माइक्रोस्कोपिक मेथड्स में पहले हम हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोपिक मेथड पढ़ा उसके बाद फॉरेस्ट माइक्रोस्कोप मेथड पढ़ा एंड उसके बाद अगार प्लेट मेथड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट एंड स्लाइड मेथड पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग स्मियर्स ऑफ फूड स्पेसिमन और कल्चर ऑन डूअर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप स्लाइड स्टेनिंग विद द एड ऑफ़ माइक्रोस्कोप इसमें हम जो पहले तो फूड फूड का स्पेसिमन या फिर फूड का जो स्मेयर बनाते हैं एक स्लाइड के ऊपर एंड स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो व्यू करते हैं यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री फॉर असेसिंग द माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ़ रॉ मिल्क तो इसमें उसको हम डेयरी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं रॉ मिल्क को क्वालिटी को असेस करने के लिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में इसमें हम 0.1 पॉइंट वन ऑफ सैंपल है जो उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है उस पर हम ऐड करते हैं एंड उसके बाद उसको उसमें हम मिक्सिंग करते हैं डीफ एड करते हैं सैंपल का स्टेनिंग करने के बाद जो क्लम्पस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो इनामरेट हो जाते हैं एंड जो कैलिब्रेटेड uh, माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट स्लाइड को हम व्यू करते हैं next method slide culture slide culture is used to detect viable cells used uh, use of the tetrazolium salt and cells are exposed to filter sterilized ink for ink for 10 minutes at 37 degrees celsius in a water bath followed by filtration on 0 0.45 micrometer membrane drying of membrane for 10 minutes at 50 degrees celsius पुट अ कवर सिलिप्रॉन स्लाइड बाय द यूज़ ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी वाइबल ईस्ट सेल्स कुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द नॉन वाइबल सेल्स अब तक हमने पढ़ा एग्जामिन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वेंशनल मेथड्स हमने पढ़े जिसमें फर्स्ट पढ़ा स्टैंडर्ड प्लेट मेथड उसमें तो उसमें पोर प्लेट मेथड भी पढ़ा एंड स्प्रेड प्लेट मेथड भी पढ़ा उसके बाद हमने मोस्ट प्रोबेबल मेथड को पढ़ा जिसमें हमने प्रिजम्पटिव टेस्ट कन्फर्म्ड टेस्ट एंड कम्प्लीटस टेस्ट को अच्छे से स्टडी किया नेक्स्ट हमने डाई रिडक्शन टेस्ट पढ़ा जिसमें हमने मिथिलन ब्ल्यू डाई के बारे में अच्छे से पढ़ा था उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक मेथड्स को स्टार्ट किया था जिसमें हमने फॉरेस्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड अगार ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट एंड अब अभी अभी हमने स्लाइड कल्चर को अच्छे से पढ़ा एंड अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस अगर हमने फूड की सरफेस को एग्जामिन करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं जैसे फर्स्ट है स्वैब स्वैब रिन्स मैथड कॉन्टैक्ट प्लेट एंड अगार सरिंज मैथड एंड अदर मेथड्स भी इसके लिए हम यूज़ करते हैं तो इन मेथड्स को हम वन बाय वन अब पढ़ेंगे तो फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं स्वैब स्वैब रिंस मेथड ये ओल्डेस्ट मेथड है जिसको मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है ये डेयरी प्रोडक्ट फूड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है जो स्वैब रिन्स है उसको डेवलप किया था बाय बाय डब्ल्यू ए मैन और टी वाई ठीक है आइदर कॉटन और कैल्शियम एल्जीनेट स्वैब्स इसमें यूज किए जाते हैं या फिर कैल्शियम कैल्शियम एल्जीनेट या फिर कॉटन इफ वन विशेज वन विशेज टू एग्जामिन गिवन एरिया ऑफ सरफेस टेम्पलेट मे बी परपेयर विद ओपनिंग कॉरस्पोंडिंग टू द साइज ऑफ द एरिया टू वी स्वैब जो स्ट्राइल टेम्पलेट है उसको हम फूड की सरफेस से एक्सपोज करवाएंगे कैसे थोड़ा सा रब करके फूड की सरफेस को थॉरली हम रब करेंगे ठीक है जो आपका स्वैब है मॉस्टर्न स्वैब के साथ अब जो आपका जो आपने स्वैब जिस स्वैब को आपने एक्सपोज करवाया है आपके फूड की सरफेस के साथ उसे हम होल्डर में रख देंगे जिसमें पहले से ही सूटेबल डायलोन प्रेजेंट होगा एंड उसे स्टोर कर देंगे रेफ्रिजरेटर पे टेम्परेचर अंडल Plated. The sterile uh, template is plated over the surface, and the exposed areas are rubbed thoroughly with the moistened uh, swab. The exposed swab is, is returned to its holder containing a suitable diluent and stored at refrigerator temperature until plated. Next method hai, contact plate method. The, res uh, the replicate organism direct agar count method employs. Special petri plate, which are poured with 50.5 point, point say 60.5 ml of an appropriate plating medium, resulting in a raised agar surface. When the plated plates are inverted, the hard, hardened agar makes direct contact with the surface. इसमें एक स्पेशल पैटरी प्लेट होती है जिसमें हम पोर करते हैं आ, अगार अगार को पंद्रह पॉइंट फाइव से सोलह पॉइंट फाइव एम एल एंड सूटेबल प्लेटिंग मीडियम जब अगार है जो आ, रेज हो जाती है सरफेस पे अगर हम उस प्लेट को इन्वर्ट कर कर भी दें तो अगार अगार का कांटेक्ट नहीं रहता सरफेस से डायरेक्ट कॉइन द हार्ड एंड अगार मेक्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सरफेस नेक्स्ट इज द अगार सिरिंज मेथड जो अगार सिरिंज मेथड है A saw mL syringe is modified by removing the needle, and to create a hollow syringe that is filled with agar, a layer of agar is pushed beyond the end of the barrel by means of plunger and pressed against the against the सरफेस टू बी एग्जामिन द एक्सपोज लेयर इज़ कट ऑफ तो इसमें हम सौ एम एल सरिंज है जो उसको मॉडिफाई किया है एक होलो सिलेंडर जो सरिंज ली है जिसमें हम अगार को फिल करते हैं एंड जो फूड जो फूड को आपने एग्जामिन करना है उस सरिंज की हेल्प से हम फूड के ऊपर उसे स्प्रेड कर देती हैं अघार को एंड जब अघार सॉल्डिफाई हो जाती है वो जो एक्सपोज लेयर है उस सारी को कट ऑफ कर लेती हैं नेक्स्ट मैथड है अगार सॉसेज मैथड मैथड सिमिलर टू द अगार सरेंज बट एम्प्लॉयज़ प्लास्टिक ट्यूबिंग रेदर देन अ मॉडिफाइड सरेंच ये सिमिलर है अगार सरेंज से बट इसमें हम प्लास्टिक ट्यूबिंग यूज़ करते हैं रेदर देन मॉडिफाइड सरेंच द लेटर द लेटर मैथड हैज़ बीन यूज लार्जरली बाई यूरोपियन वर्कर्स फॉर असेसिंग द सर्फेस ऑफ मीट कारकेसेस तो इसमें इसको यूरोप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है मीट कारकेसेस की सरफेस को असेस करने के लिए अदर मैथड्स में कौन कौन से मैथड आते हैं डायरेक्ट मैथड स्टिकी फिल्म एंड अल्ट्रासोनिक मैथड जो डायरेक्ट मैथड है इसमें हम मेल्टेड अगार को पोर कर देते हैं फूड के सर जो फूड की जो आपका सरफेस है उसके ऊपर ठीक है उसको एक्सेस करने के लिए अपॉन हार्डनिंग जब अगार आपकी हार्ड हो जाती है तो अगार मोल्ड है जो इज प्लेस्ड इन अ पैटरी डिश एंड अगर उस उतने पार्ट को जो कट करके पैटरी डिश में प्लेट करके उसे इनकूबेट किया जाता है सक्सेसफुली यूज्ड इसको हम यूज कब करते हैं क्लोस्ट्रेडियम जो स्पोरोजीन्स जो होते हैं या फिर एंडोस्पॉम्स हो गए स्टेनलेस स्टील की सरफेसिस पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट मेथड इज़ स्टिक्की फिल्म द मैथड कंसिस्ट ऑफ प्रेसिंग स्टिकी फिल्म और टेप अगेंस्ट द सर्फेस ऑफ टू बी एग्जामिन इसमें हम स्टिकी फिल्म होती हैं और टेप होती है उसको अगेंस्ट द जो सरफेस को आपको एग्जामिन करना है उसके प्रेस करते हैं एंड जो एक्सपोज एक्सपोज सरफेस है ऑन द अगार प्लेट एंड हैज बिन एम्प्लॉयड सक्सेसवली ऑन मीट सरफेस जो फिर उस सरफेस को एक्सपोज करवाया जाता है अगार प्लेट में एंड देन इसे हम क्यों यूज़ करते हैं मीट सरफ़ेसेस को सक्सेसफुली एग्जामिन करने के लिए मीट की सरफ़ेसेस पे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं कोई स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर टॉक्सिक मेटाब्लाइट तो नहीं प्रेजेंट उन सब को एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज अल्ट्रॉ अल्ट्रासोनिक डिवाइसिस दीज डिवाइसिज आर यूज टू एक्सेस द माइक्रोबाइलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ सर्फेसिज बट द सर्फेसिस

ठीक है तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे लिमुलस लाइसेट फॉर एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज बाय देयर प्रोडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन विच कंसिस्ट ऑफ अ लिपोपोलिसक्राइड लेयर ऑफ द सेल इन्वेल्व द लिपोपोलिसक्राइड लेयर इज पायरोजेनिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द सिम्टम दैट अ कंपनी कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द लिमुलस Amoebobicide lysate test employs a lysate protein obtained from the blood cells of the horseshoe crab. The lysate protein is the most sensitive substance known for endotoxins. The LAL test is performed by adding. Of food suspension or other test material to some quantity of lysate preparation followed by incubation at 37 degrees Celsius for one hour, the presence of endotoxin causes gel formation of the lysate material. Next test hai, adenosine triphosphate measurement. The adenosine triphosphate is the primary source of energy in all living organism it disappear within 2 hours after cell death and the amount per cell is generally constant the simplest way to measure atp is by use of firefly luciferin luciferase system in the presence of atp luciferase emit light which is measured with the liquid Scantilization spectrometer or a luminometer. The amount of light produced by fearfully luciferase is directly proportional to the amount of ATP added. The application of ATP measurement as a rapid method for estimating microbial numbers has been used in clinical microbiology. Next method is radiometry. The radiometric detection of microorganism is based upon the incorporation of C14 labeled metabolite in a growth medium so that when the organism utilizes this metabolite, CO214 is released and measured by use of radiometric counter. For organism that utilize glucose, 14C glucose is usually employed for those that cannot utilize this compound, others such as 40 C formate or 40C glutamate are used. Fourth method of chemical detection of microbial spoilage in food is fluoro and chromogenic substrates. Some of the fluorogenic and chromogenic substrates employed in cultural media in food microbiology are 4 methylum, belliferyl, beta D, glucuronide, and 4 methylum methylumbelliferyl beta D glucoside o nitrophenyl beta D galactopyranoside fluorogenic fluorogenic substrate are produced from the first three and chromogenic substrate from the others these substrates are employed in various ways in plating media MPN broth and for membrane filtration methods MUG is the most widely used of the fluorogenic substrates and it is hydrolyzed by beta D glucuronodase to release the fluorescent, which is detected with long wave ultraviolet light. Now, we chemical methods, which we have covered 4 methods. First is Limulus lysate for endotoxin second is adenosine triphosphate measurement third is radiometry and fourth is fluoro and chromogenic substrate will study rapid methods rapid methods hote in general any method that detects a foodborne pathogen in a shorter period of time as compared with conventional methods is considered as a rapid method they are able to detect the presence of pathogen in raw and processed food immediately and rapid methods are also sensitive enough to detect pathogen that present in low number in the food need for rapid methods Me rapid methods padi? to reduce human error to prevent outbreak of foodborne disease to provide immediate information validation and automation or computerization to avoid human error and to save time and labor cost and simplicity. Types of rapid method biosensors, next is microscopic methods, immunological detection methods, molecular detection methods. First is biosensors, defined as an indicator of biological compound. बायोसेंसिंग मेथड फॉर पैथोजें डिटेक्शन आर सेंटर्ड ऑन फोर बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड जैनिटिकल जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोसेंसर्स को इंडिकेटर भी कहा जाता है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के जो बायोसेंसिंग मेथड्स है पैथोजेंस के लिए वो डिटेक्ट करती हैं फोर फोर बेसिक फिजिजिकल एंड जैनिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम की जिसमें फर्स्ट है मेटाबॉलिक पैटर्न ऑफ सबस्टेट यूटिलाइजेशन सेकेंड इज phenotypic expression analysis of signature molecular by antibodies third is nucleus, nucleic acid analysis fourth is analysis of interaction of pathogen with eukaryotic cell types of biosensors first is bacterial bioluminescence second is fiber optic biosensor third is electrical रिपीडेंस बायोसेंसर फोर्थ इज पिजियोलैक्ट्रिक बासर्स फिफ्थ इज ए टी पी बायोलिमिनीसेंस तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल बायोलिमिनीसेंस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल बायोलिमिनीसेंस लक्स चीन हैज बीन एंडेंटिफाइड एंड क्लोन्ड जो बायोलिमिनीसेंस बैक्टीरियल बायोलिमिनि के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लक्स जीन जिसको आइडेंटिफाई करके हम क्लोन करते हैं द डीएनए कैरिंग दिस जीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट स्पेसिफिक फेजस डीएनए कैरी डीएनए होता है इस जीन में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट स्पेसिफिक फेजेस में दिस फेजस डू नॉट परजिस्ट द इंट्रोसेलुलर बायोकेमिस्ट्री नेसेसरी टू एक्सप्रेस दिस जीन रिमेंस डार्क ऑन ट्रांसफर ऑफ लक्स जीन टू बी to the host bacterium during infection result in a light emission that can be easily detected by luminometer this technique can be used to detect one is to uh, one into 10 10 is the power 2 cells in 60 minutes जो फेजेस होते हैं उनमें intracellular biochemistry नहीं होती जो कि चाहिए होती है जीन को express करने के लिए इसलिए वो जीन है जो डार्क रहता है जब हम लक्स जीन को ट्रांसफर करते हैं होस्ट बैक्टीरिया में तो ड्यूरिंग ए इन्फेक्शन तो उसका रिजल्ट हमें कैसे पता चलता है लाइट के एमिशन से जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ल्यूमिनोमीटर की हेल्प से नेक्स्ट इज द फाइबर ऑप्टिक बायोसेंसर फाइबर ऑप्टिक बायोसेंसर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस इज़ दैट व्हेन लाइट प्रोपिगेट्स थ्रू द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इट जनरेट एन इवनसेंट फील्ड आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द वेव गाइड वेन फ्लोरोसेंट लेबल्ड एन एनालिटिक्स सचेज पैथोजेंस और टॉक्सिन्स बाउंड टू द सर्फेस ऑफ द वेव गाइड आर एक्साइटेड बाई इवनसेंट वेव जनरेटेड बाई लेजर एंड अमिट फ्लोरोसेंट इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जब लाइट प्रोपेगेट करती है थ्रू द कोर ऑफ़ द ऑप्टिकल फाइबर मतलब कि वेव गाइड वो तब वो जनरेट करती है एक इवेंसेंट फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द वेव गाइड फ्लोरोसेंट लेब एनालिटिक जब हम यूज़ करते हैं जैसे कि पैथोजन टॉक्सिन वो बाउंड कर जाते हैं सरफेस ऑफ वेव गाइड के ऊपर आर एक्साइटेड इवन सेंट वेव जनरेटेड बाय लेजर एंड अमिट करते हैं फ्लोरोसेंट सिग्नल्स थर्ड बायोसेंसर है इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस बायोसेंसर इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस बायोसेंसर डिटेक्ट माइक्रोस्को माइक्रोब्स डायरेक्टली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयंस फ्रॉम मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट और डायरेक्टली फ्रॉम लिब्रेशन सी ओ टू ये डिटेक्ट करते हैं माइक्रोब माइक्रोब्स uh, को डायरेक्टली जब वो प्रोड्यूस करते हैं आयंस को एंड प्रोडक्ट पे or indirectly from liberation co2 microbes metabolism result in an increase in both conductance and capacitance causing decrease in impedance a bridge circuit measure measures measures impedance method population of microbes provided with nutrient like lactose Microbes utilize it and convert into lactic acid, thus changing the impedance. Impedance is measured over 20 hours after inoculation in specific media. Advantage, advantage of electrical impedance biosensor Simple to perform, faster than agar plate count, capable of analyzing hundreds of samples at the same time since the instrument is. कंप्यूटर ड्राइवन एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस एप्लीकेबल फॉर सैंपल्स विद हाई नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड मैट्रिक्स में इंटरफेयर विद द एनालिसिस लास्ट बायोसेंसर है हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर जनरल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कोटिंग बेस्ड ऑन कोटिंग द सर्फेस ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक सेंसर विद द सिलेक्टिव बाइंडिंग सबस्टांस इसमें हम पीजियो इलेक्ट्रिक सेंसर को हम सेलेक्टिव बाइंडिंग सबस्टांस के साथ कोड करते हैं जैसे एग्जाम्पल एंटीबॉडीज़ टू बैक्टीरिया एंड देन प्लेसिंग इट एन टू अ सल्यूशन कंटेनिंग बैक्टीरिया जैसे कि एंटीबॉडी बैक्टीरिया के एंटीबॉडीज़ uh, uh, को हमने कोड कर दिया एंड उस सोल्यूशन जिसको डिटेक्ट करना है उस सोल्यूशन में प्लेस कर दिया द बैक्टीरिया विल बाइंड टू द एंटीबॉडी एंड बैक्टीरिया होगा तो वो बाइंड कर जाएगा एंटीबॉडी के साथ एंड मास ऑफ द क्रिस्टल्स विल इंक्रीज वाइल द रेजोनेंस विल डिक्रीज Fifth type of biosensor is ATP bioluminescence. This technique measures the emission of light produced by an enzymatic reaction bet between Luciferin and Luciferase that require the presence of ATP. The amount of light produced is proportional to the concentration of ATP and therefore the number of microorganisms in the sample. Only applicable if the number of microorganisms in sample is high. यूज टू मेजर द क्लीनेस ऑफ सरफेस दैट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद फूड इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक रेजिडेंस एंड माइक्रोबियल कंटामिनेन्स रैपिड मैथड्स में बायोसेंसर्स के बाद हमने पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक मैथड्स जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट एप्पी फ्लोरोसेंड फिल्टर टेक्नीक नेक्स्ट इज फ्लोसाइटोमेट्री एंड सॉलिड फेस साइटोमेट्री तो फर्स्ट इज फ्लो साइटोमेट्री फ्लो साइटोमेट्री कोटिटेटिवली मेजर ऑप्टिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वेन दे आर फोर्स टू पास इंडिविजुअली थ्रू अ बीम ऑफ लाइट फ्लो साइटोमेट्री फ्लोसाइटोमेट्री भी मेजर करती है ऑप्टिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स जब हम उन्हें पा फोर्स करते हैं पास होने के लिए इंडिविजुअली थ्रू अ बीम ऑफ लाइट फ्लोरोस डाई कैन बी यूज टू टेस्ट द वाइबलिटी एंड मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गनिजम फ्लोरोसेंट डाई है जो यूज़ की जाती है वाइबिलिटी एंड माट मेटाबॉलिकल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिजम की डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग आर इंजेक्टेड इंटू द फ्लूड विच पास थ्रू अ सेंसिंग मीडियम इन अ फ्लो सेल फ्लोरोसेंट डाई कैन बी यूज टू टेस्ट द वाइबलिटी एंड मेटाबोलिकल स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैम्पल्स आर इंजेक्ट इंटू द फ्लूड डाई Which passes through a sensing medium in a flow cell. The cells are carried by the laminar flow of water through a focus of light. Each cell emits a pulse of fluorescence, and the scattered light is collected by lenses and directed onto the selected detectors this technique is fast automatic and potentially very specific as long as appropriate dye are available for selectively labeling specific type of microorganism and appropriately methods for separating cell from food are utilized so as not to interfere with detection the sensitivity of flow cytometry is low on the detection of food with with the food sample is around ten is to five to ten is to seven cloniforming unit per gram. Currently, there are various flow cytometry method developed for food, especially for li liquid samples such as dairy product, water, and other beverages. Next method is solid phase cytometry solid phase, phase cytometry is a technique that combines aspect of flow cytometry and epifluorescence microscopy after filtration of the sample the retained microorganisms are fluorescently labeled with organ laser excitable dye on the membrane filter and automatically counted by a laser scanning device each fluorescent spot can be visually inspected with an epifluorescence microscope Connected to the scanning device by a computer drive in moving stage. Depending on the fluorogenic label used, information on the identity and the physiological stat status of the microorganism can be obtained within a few hours. Next method is DEFT DEFT means direct epifluorescent filter technique. डेफ्ट अलाओ फॉर द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक डिटामिनेशन ऑफ सेल्स वेयर माइक्रोक्लोनी डेफ्ट इज वेरिएशन दैट अलाओ वन टू डि डिटरमाइन वाइबल्स एंड लॉन्डी तो माइक्रोक्लोनी डेफ्ट है जो उसमें फूड होमोजिनेट्स को फिल्टर करते हैं थ्रू डेफ्ट मेमब्रेन बाद में उसे प्लेस करते हैं एक अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया के ऊपर उसको उसके बाद इंक्यूबेट किया जाता है फॉर माइक्रोक्लोनी डेवलपमेंट के लिए थ्री आर्स इंक्यूबेशन रखेंगे अगर आप ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर रहे हो सिक्स आर इंक्यूबेशन रखेंगे अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर रहे हो माइक्रोकलोनीजें जो डेवेल्प हो जाएंगी उसको हम व्यू करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर नेक्स्ट इज डायरेक्ट एप्पीफ्लोरोसेंट फिल्टर टेक्नीक द डायरेक्ट एपीफ्लोरोसेंट फिल्टर टेक्नीक इज अ माइक्रोस्कोपिक मेथड फॉर द एन्यूमरेशन ऑफ अ वाइबर सेल इन अ सैम्पल बेस्ड ऑन द बाइंडिंग प्रॉपर्टी properties of the fluorochromosome acridine orange once treated with detergent and proteolytic enzyme the samples are filtered through a polycarbonate membrane the cells are stained on the same filter and examined under epifluorescent microscope deft is very labor intensive technique does not have the capability of processing a large number of samples. अगर लार्ज नंबर रेंज में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट है तब भी हम डेप्ट को यूज़ कर सकते हैं अडिशनली फ्लोरोसेंट फूड मटेरियल कैन बी ट्रैप्ड ऑन द फिल्टर एंड द टेक्निक कैन ओनली द ओनली बी यूज्ड विद रॉ फूड एंड यूजली फॉर इनामरेटिंग टोटल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेप्ट मे बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड इनामरेशन ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन अ फूड सैंपल नेक्स्ट इज अनोलॉजिकल डिटेक्शन मेथड्स रैपिड मैथड का अगला मैथड है इम्यूनोलाजिकल डिटेक्शन मैथड इम्यूनोलाजिकल डिटेक्शन मैथडस द एंटीबॉडी बेस्ड सिस्टम हैज़ फैसिलिटेट द डिजाइन ऑफ वेराइटी एंड फॉर्मैट इंक्यूबेशन टाइम आर यूजली वेरी शॉर्ट फॉर मैथडोट एगलोनेट Agglutination reaction commonly used for the rapid identification of microorganism. Normally, the antibody is labeled with a fluorescent reagent with an enzyme so that the antigen antibinding or antibody interaction may be visualized more easily when it occurs. In some cases, the antibody antigen complex formed is directly measurable or even visible. Jo इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन मेथड्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे एल एफ डी एंड अलीज़ा फर्स्ट है जी एल एफ डी जिसका नेम है लेटरल फ्लो डिवाइसेस लेटरल फ्लो डिवाइसेस आर टिपिकली कंप्राइज ऑफ अ सिंपल डिपस्टिक मेड ऑफ़ अ पोरस मेम्ब्रेन दैट कंटेन कलर्ड लेटेक्स बीड और कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड विद डिटेक्शन एंटीबॉडीज टारगेटेड टूवर्ड्स स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द पार्टिकल्स आर फाउंड ऑन The base of dipstick, which is put in contact with the enrichment media. If the target microorganism is present, then it binds with the colored particle. This conjugation cell particle move by capillary action until it find the immobilized capture antibodies. Upon binding with these, it forms a colored line that is clearly visible on the device window, indicating a positive result. As with other immunosense LFD also require previous enrichment this technique is extremely simple to use and easy to interrupt it requires no washing and manipulation and can be completed with 10 minutes after culture enrichment there are various lft on the market that have been validated for detection for detection different food borne pathogens लेटर फ्लो टाइप टेस्ट टाइप जो लेटरल फ्लो टेस्ट टाइप है वो टू टाइप्स हैं उसकी सैंडविच ऐसे फॉर्मेट जिसको हम यूज़ करते हैं लार्ज एनालाइट्स के लिए जैसे कि प्रोटीन्स विद मल्टीपल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट नेक्स्ट इज कम्पिटिटिव ऐसे फॉर्मेट जिसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए जैसे हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स Next method is LFD, ke baad, ELISA, which is enzyme linked aminosorbent assay and enzyme linked fluorescence assay. The enzyme linked aminosorbent assay is a biochemical technique that combines the amino assay with an enzymatic assay as LFD. It is an sandwich assay. An antibody bound to a solid matrix is used to capture the antigen from enrichment culture and the second antibody conjugated. To an enzyme is used for detection. ELISA enzyme-linked ambinosorbent assay, is an immunological method similar to the RIA, RIA but employing an enzyme coupled to either an antigen or an antibody rather than a radioactive isotope. This technique is widely used to detect the quantitative organism and their products in food. Synonyms, synonyms of ELISA are. एंजाइम मल्टीप्लाइड अमीनो एसिड टेक्निक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी टेक्निक वेरिएशंस ऑफ अलीज़ा सैंडविच अलीज़ा एंड डबल सैंडविच अलीज़ा जो सैंडविच सैंडविच अलीज़ा होता है द उसमें द एंटीजन इज रिक्वायर्ड टू हैव एट लीस्ट टू बाइंडिंग साइट्स एंड जो डबल सैंडविच अलीज़ा होता है इट एम्प्लॉयड द थ्री थ्री एंटीबॉडी आप डायग्राम में देख सकते हो The enzyme is capable of generating a product detectable by a change of color, or in the case of enzyme-linked amino, amino uh, enzyme-linked fluorescence assay, in fluorescence, which allow for indirect measurement using spectrometry of the antigen present in the sample. Detection using automated and robot robotic ELISA is widely used since they can be reduce detection time after enrichment. To as low as 1, say 3 hours. Thus, the result can be obtained in two, 2 to 3 days instead of 3 to 5 days needed by conventional methods. Next method are molecular detection methods. There has been an explosion in the past 15 years in the introduction of nucleic acid based assays for the detection and identification of foodborne pathogens there are many dna based assay formats but only probes and nucleic acid amplification technique has have been de developed Commercially for detection of foodborne pathogens, first is fluorescent in situ hybridization. Next is polymerase chain reaction. Fluorescent in situ hybridization with oligonucleotide, oligonucleotide probe directed at rDNA recombinant DNA is in the most common method among molecular technique. Not based on PCR. The probe used by fish tend to be fifty. 52 25 nucleotide in length and covalently bonded, uh, covalently labeled at their 5C end with fluorescent label. After hybridization, the specifically stained cells are detected using epifluorescence microscopy, and the detection limit of this technique is around 104 cloniforming unit per gram. Following, flowing. Uh, pre enrichment to reach this detection level, the result can be obtained quickly. Next method is uh, polymerase chain reaction. There are three main processing steps in polymerase chain reaction: denaturation, annealing, annealing, and extension. In the first step of PCR method, DNA is heated to 95 to 98 degrees Celsius. At which, which point, double-stranded DNA separate into a two single strands. In annealing step, synthetic oligonucleotide Polymers are and, uh, added to the and bind to the single stand at the temperature of 55 degrees Celsius. Finally, in the last step of the process, the primer extended by DNA polymerase in the absence of adenine, uh, guanine, cytosine, and thymine. The extension by polymerase uh, occurs at the temperature near 70, 72 degrees Celsius. These three steps result in new DNA stands that are. कंप्लीटेड आप देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको जब हमने हीट किया 95 डिग्री सेल्सियस पे तो वो डीनेचुरेट हो गया एंड सिंगल सिंगल स्टैंड जो डीएनए हो गए ठीक है सिंगल स्टैंड डीएनए को हम यूज़ करेंगे एज अ टेम्पलर स्टैंड डीएनए एंड उसके बाद अनिलिंग होगी जिसमें हम प्राइमर्स एड करेंगे उसके बाद एक्सटेंशन में हम पॉलीमरेज uh, एंजाइम होता है एक उसको भी यूज़ किया जाता है जो कि सिंगल स्टैंड डी को डबल स्टैंडर्ड डी बना देता है polymerization reaction is a method used for the in vitro enzymatic synthesis of specific DNA spe sequence by tech and other thermo-resistant DNA polymerase, polymerase chain reaction uses oligonucleotide primer that are usually 20, say, 20 to 30 nucleotide in length and whose sequence is homologous to the ends of the genomic DNA region to be amplified. The method is performed in a repeated cycle so that the product of one cycle serves as a DNA template for the next cycle, doubling the number of target dna copies in each cycle the rapid increase in the number of copies of the target sequence that can be achieved with pcr based method makes them ideal candidates for the development of faster microbiological detection systems many pcr tests have been validated and commercialized to make pcr a standard tool used by food microbiology laboratories to detect pathogen in conventional PCR relies on amplification of the target gene in the thermocycler. Separation of PCR product by gel electrophoresis followed by visualization and analysis of these. The result electrophoretic pattern, a process that can take a number of hours. The specificity can be subsequently confirmed by the sequencing. द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट पी सी आर कैन बी स्पीरियर टू क्वालिटी टू कल्चर फॉर डिटेक्टिंग द मेन पैथजन इन फूड सैंपल आज हमने माइक्रोबिल एग्जामिनेशन एंड डिटेक्शन ऑफ फूड्स पॉलेज इन फूड प्रोडक्ट इन एंड फूड को डिटेल में पढ़ा है जिसमें हमने कन्वेंशनल मैथड्स रैपिड मैथड्स एंड केमिकल मैथड्स को वन बाई वन डिटेल में पढ़ा है एंड जो हमने फ़र्स्ट पढ़े थे आपको मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगी कन्वेंशनल मेथड्स में हमने फोर मेथड्स पढ़े थे स्टैंडर्ड प्लेट मेथड डाई रिडक्शन टेक्निक मोस्ट प्रोबेबल नंबर एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट उसके बाद हमने केमिकल मेथड्स पढ़े जिसमें हमने चार मेथड्स को कवर किया था उसके बाद हमने रैपिड मैथड्स को वन बाई वन डिस्कस किया होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मेरा चैनल आपको आपकी स्टडी से रिलेटेबल लगता है या फिर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल से हेल्प हो रही है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ नाइस डे